बॉलीवुड के खलनायक के रूप में मशहूर संजय दत्त भले ही 62 साल के हो गए हो, पर न केवल फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्रेज बरकरार है बल्कि दर्शकों के दिल में भी उनके लिए काफी प्यार है। और यही वजह है कि अभी तक उनकी दीवानगी कम नहीं हुई है। महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार को अभिनेता संजय दत्त के 62वें जन्मदिवस पर यह नजारा दिखाई दिया, जब खलनायक की एक महिला फैन पंजाब से उज्जैन तक चलकर आई और यहां पर भूत भावन बाबा महाकाल के दरबार में आकर खलनायक संजय दत्त के दीर्घायु की कामना कर पूजन अर्चन किया। पिछले करीब 28 सालों से निधि संजय दत्त का जन्मदिन मनाती आ रही है और 2 बार वह संजय दत्त से मुलाकात भी कर चुकी है। निधि की मानो तो वह संजय दत्त को अपना भाई मानती है, इसीलिए वे उनके हर जन्मदिवस पर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार भी उनकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन वे इसीलिए भगवान महाकाल के दरबार में संजय दत्त की लंबी उम्र की कामना को लेकर आई है। निधि को विश्वास है कि भगवान महाकाल उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और संजय दत्त को उम्र दराज भी करेंगे। सर 93 से बना रही हूँ और इस साल मेरी मदर की डेथ हो गई, तो इस वजह से मैं मंदिर में उनको मत्था टिकाने लाई, महाकाल मंदिर में, उज्जैन महाकाल मंदिर में। उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करी, पूजा करवाई है और उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना की है। संजय दत्त के लिए, संजय दत्त आपका क्या है? संजय दत्त को मैं भाई मानती हूँ। आप उनसे मिले? हाँ। कब मिले? मैं उनसे 2 बार मिल चुकी हूँ।